देखिए वर्ल्ड कप 2023 को शुरू हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कल हुआ मुकाबला श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का, जहां पर भी रिकॉर्ड टूटे, हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज हुआ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्ल्ड कप के 3 सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज। नंबर 3 पे आता है 2015 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जब मुकाबला स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, जहां पे स्कॉटलैंड ने बनाए थे 318 रन और बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से 318 रन का विशाल लक्ष्य पीछा कर लिया था। अब बांग्लादेश का पीछा करना भी एक बड़ी बात थी, पर स्कॉटलैंड का 318 रन बनाना वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। पर बांग्लादेश के कप्तान उस समय पे होते थे तमीम इकबाल, और तमीम इकबाल जाने जाते हैं धुआंधार पारियों के लिए। ओपनिंग ही ऐसी करी थी और 95 रन बना दिए थे महज 100 गेंदों में, और उसके बाद अपनी टीम को मैच जिताई थी, कप्तानी पारी खेली थी। नंबर 2 पे आता है वर्ल्ड कप इतिहास का शायद सबसे फेमस मुकाबला, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड। मुकाबला हुआ था 2011 जब इंडिया में हो रहा था वर्ल्ड कप, और इंग्लैंड ने बनाया था विशाल लक्ष्य 329 रन, जिसका बड़ी आसानी से आयरलैंड ने पीछा किया था। जी हां, आयरलैंड अंडरडॉग्स कहा जाता है उन्हें, पर केविन ओब्रायन के 116 रन, वो एक सेंचुरी, वो सबसे फेमस सेंचुरी वर्ल्ड कप की, जिसकी वजह से उन्होंने ये मुकाबला जीता और सबसे फेमस मुकाबला वर्ल्ड कप के अपने नाम किया, और अभी तक 2023 तक वो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज था। नंबर 1 पे आता है वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने उतरा और बनाए उन्होंने 345 रन, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था। आधी पाकिस्तान शायद वहीं पे ही हार गई थी, बाबर आजम उनके कप्तान, बहुत जल्दी विकेट गिर गया। पर उसके बाद आए 2 सबसे बड़े प्लेयर मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला। मोहम्मद रिजवान ने वहां सेंचुरी मारी, बनाए 131 रन और अपनी टीम को बड़ी आसानी से वो जीत दिलाई। 6 विकेट से पाकिस्तान जीता और बना दिया इतिहास, वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज बना दिया पाकिस्तान ने। देखिए एक हफ्ता हुआ है और ऑलरेडी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में रन तो बहुत आने वाले हैं, पर हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेजेस भी होने वाले हैं, रिकॉर्ड बहुत टूटने वाले हैं। जो भी होता है सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी सिर्फ और सिर्फ india.com पर।